सिर्फ गाड़ी से और फिर शोम बेचारा शोम और मैं इसकी वैरायटी में थे तो हम लोग ऐसे बाउंसर बन गए हम लोग। और अच्छा बोले हम बोले सुना आपने मुंबई पुलिस आप तीनों के किरदारों के बारे में जानना चाहेंगे तो नहीं तो बताया ना अभी इनके लिए इनका लाइट ऑन ये लाइट दे देना आगे उनके लाइट ऑन अरे आ गए दादा दो थप्पड़ मारना चाहिए थप्पड़ मारना ये बोला और ये दिखा देना अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है चलिए सबसे पहले तो आप अपने किरदारों के बारे में बता दीजिए कि मोना जी हमारी सीनियर हैं उनसे शुरुआत करते हैं अच्छा हेड ऑफ मीडिया रिलेशंस शी इज द हेड ऑफ मीडिया रिलेशंस एंड ऑल द अदर रिलेशंस ओके आई एम प्लेइंग the character of Mona. My name is Mona in the show. I work for I work for Shanti Constructions for Mr. Yudhishthir Shikhar Rar, and I'm the head of media relations. And it's a character for thorough professional. She's an independent woman. She takes care of her family. She's a go-getter. And somewhere down the line, her personal life and her professional life gets meddled, and how she deals with it. That is what the track is all about. There are also some other interesting things, which is kind of a surprise, so watch out for it. I'm playing Taruni. I'm playing Mr. Bachchan's daughter from his first wife. That's being played by Sarika ma'am. And Taruni is an oncologist. Wo ek government hospital mein kaam karti hain. Aur unke liye, unka paribar, unke patients bahut pyare hain unko. Unki mulaqat apne pitaji se kaafi saalon ke baad hoti hai. Bahut hi awkward si meeting hoti hai unki. उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी को एक हेल्थ डिसऑर्डर है और दैट्स व्हेन शी डिसाइड्स कि अब मुझे अपने पिताजी के साथ जितना समय मिल रहा है मैं उतना समय बिताना चाहती हूँ तो वो साय की तरह अपने पिताजी के साथ जुड़ जाती हैं प्रोफेशनली पर्सनली काफी उनकी लाइफ में अटैच्ड हो जाती हैं जिसकी वजह से उनकी माँ को ऐसा लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हो गई हैं और उन्हें लगता है कि तरुणी अपने आप को खो देगी इन चीजों में लेकिन तरुणी एक ऐसी लड़की है जो अपने पिताजी अपने माताजी के लिए लाइक she can put her life on line for them so basically bahut hi interesting bahut hi pyara character hai and I've really thoroughly enjoyed playing it main rishi sikarwar ka role play kar raha hu yudhishthir sikarwar ka beta bachchan saab ka beta and meri maa jo play kar rahi hai unka naam hai aisha raza wo aaj hamare sath yahan pe nahi hai I'm really missing her but ha wo kuch aur shoot kar rahi hai is waqt and बेसिकली ये जो लड़का है ऋषि बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल सा है थोड़ा हर जैसे हर लड़का होता है 17, 18, 20, 21 की उम्र में अपनी उम्र के बारे में तो झूठ मत बोलो मैं बोल रहा जैसे हर लड़का होता है 17, 18, 20, 21 की उम्र के बारे में और आप वहां जाते बैठे तो उसका ग्रोइंग अप है वो जैसे फ्रॉम हाउ
he grows up and becomes a man and takes more responsibility in life, and how he tries to prove himself to his father, to his mother, to his friends, and to people around him who work with him. And yeah, it's his journey of becoming, from becoming this irresponsible boy to this man who wants to do something and make something of himself. Yeah. मिस्टर बच्चन के साथ काम करने का आप लोग का जो पूरा एक्सपीरियंस था कैसा रहा आप तीनों का? अमेजिंग, वंडरफुल. इट्स कम्प इन द फ्रेम नेक्स्ट टू हिम. इट्स आई हैव नो वर्ड्स टू से. आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल प्रेजेंस. यू नो, अगर आप उनके बगल में भी बैठे हुए हैं ना, एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस, एक एनर्जी मिलती है उनसे ना, व्हिच इज एंड इट इज सच अ या जस्ट ट्रेमेंडसली, यू नो, इट्स ट्रेमेंडसली पावरफुल. तो उसकी वजह से मतलब आपको जो एनर्जी मिलती है, जिस तरह से सीन्स होते हैं, मतलब इट्स मैजिक. चलिए फाइनली जाते जाते चाहेंगे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? एक साथ बोलिए, ट्यून इन टू 10:30 PM ऑनवर्ड्स फ्रॉम 14 जुलाई. तुम लोग की एक्टिंग प्रोफेसर सब ने देख लिए हैं और अब तुम लोग अगले 5 हफ्ते वही होने वाला है. चलिए रेडी. सो फाइनल वॉच यूथ ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन फ्रॉम मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 14 जुलाई ऑनवर्ड्स 10:30 PM. I don't know what he did. Yeah, मैंने. मैं मुंह देख रहा था, ऐसे ही क्या बोल रही है. और इन्होंने कहा perfect. Correct ना? See? Girl power, girl power. बहुत काम किया इन्होंने. मैंने अभी मैं newcomer हूँ, मुझे idea नहीं है सब. नहीं, newcomer तो इंसान भी अच्छा काम नहीं किया. सिर्फ यही नहीं किया.